अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप सबके लिए पनीर लॉलीपॉप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम तकरीबन पनीर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो इसको मैं साइड में रखूँगी। अब मैंने एक पैन फ्लेम पे रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसमें डाला है आधा चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ। इसको थोड़ा सॉटे करना है। तो ये सॉटे हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा हरी मिर्च कर सकते हैं। इसको भी सॉटे करना है। तो ये भी सॉटे हो चुका है, मतलब हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे एक छोटा टमाटर कटा हुआ, और सेम इसको भी हमें हल्का सा भूनना है, मतलब इसको भी सॉटे करना है। तो ये भी देखिए सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने मैश किया था। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, देखिए इस तरह से। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले मैं डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक। इन सब मसालों को डाल के फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। एकदम लो फ्लेम पे मैंने पकाया था 1 से 2 मिनट। अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। इसको डाल के फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर सब जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसको नहीं पकाना है क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक पनीर वहाँ पे ठंडा होगा, हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, जिसमें यहाँ मैंने लिया है एक छोटा सा प्लेट। आप यहाँ पर कोई बाउल ले सकते हैं, और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच मैदा। उसके बाद इसका एक पतला घोल बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके घोल बनाइएगा, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अभी भी ये थिक है, इसको थोड़ा और पतला करना है। अब इसको मिक्स करने से पहले मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, ताकि ये नमकीन रहे। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट घोल बनके तैयार हो गया है। इतना ही पतला घोल हमें चाहिए। ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो अब इसका बॉल बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसका बॉल बनाना है। आप जैसे चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज मैं आप सबके लिए पनीर लॉलीपॉप की रेसिपी लेके आई हूँ, इसलिए मैं इसी शेप का बनाऊँगी। बहुत ही ईजिली ये बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे ये बॉल्स भी रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे ये पेस्ट भी रेडी हो गया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम बनाया है, 2 ब्रेड का, ये फ्रेश ब्रेड क्रम है। अब एक बॉल को लेंगे, पहले इसको इस तरह से इसमें डिप करेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम में डालेंगे और ब्रेड क्रम से कोटिंग करेंगे, और इसी तरीके से सारे बॉल्स को कोट कर लेना है ब्रेड से और इस मैदे के पेस्ट से। तो यहाँ पे मैंने एक बार कोटिंग कर लिया है, अभी मैं इस पर एक बार और कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने देखिए सेकंड लेयर का भी कोटिंग कर लिया है, बिल्कुल अच्छा लुक आ रहा है। अब इसको फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने को रख दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने दो पीस इसमें डाले हैं, उसके बाद इसको इस छोटे स्पून से पहले मैं चला रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से गोल्डन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट क्रंची ये लॉलीपॉप्स बन के तैयार हो गए, मतलब अभी बॉल्स बन के तैयार हुए हैं, अभी लॉलीपॉप नहीं बने हैं ये। तो इसी तरीके से सारे बॉल्स को फ्राई कर लेना है। ये बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं, अब इनको लॉलीपॉप का लुक देना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे टूथपिक लिया है, इसको देखिए इस तरह से मैं रखूँगी और ऊपर से इस तरह से लगा दूँगी। तो ये देखिए ये लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे लॉलीपॉप को रेडी कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।